वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सदस्य राष्ट्रों के उच्च सुरक्षा अधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। ये बैठक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान डोभाल ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर और जैश के खिलाफ एक्शन लेने की कार्ययोजना बनाने पर बल दिया। डोभाल ने हथियारों की तस्करी और डार्क वेब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के लिए ड्रोन सहित आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली नई तकनीकों की निगरानी की आवश्यकता पर भी जोर दिया। नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और स्वागत है आप सभी का आज के DNS कार्यक्रम में। DNS में आज हम आपको शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भी। शंघाई सहयोग संगठन एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक एवं सुरक्षा संगठन है। साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ये संगठन अस्तित्व में आना शुरू हुआ था। 1996 में बना यह संगठन पहले शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान जैसे देश शामिल थे। साल 2001 में इस संगठन का विस्तार हुआ और उज्बेकिस्तान भी इस संगठन में शामिल हो गया। उज्बेकिस्तान के इसमें शामिल होने के बाद 15 जून 2001 को शंघाई में SCO की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इस संगठन में 8 सदस्य देश हैं, जिसमें रूस, भारत, कजाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल है। भारत और पाकिस्तान को साल 2017 में शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया था। शंघाई सहयोग संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद है। इस परिषद की वार्षिक बैठक में सदस्य देशों के प्रमुख हिस्सा लेते हैं। SCO का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बनाए रखना है। सवाल ये उठता है कि SCO भारत के लिए इतना अहम क्यों है। दरअसल SCO मौजूदा वक्त में भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। ऐसे में भारत इस मंच के जरिए मध्य एशिया में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। साथ ही ये SCO के जरिए ईस्ट और वेस्ट के बीच संतुलन भी स्थापित कर सकता है। SCO के संदर्भ में भारत के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, पहला आतंकवाद पर लगाम लगाना और दूसरा कनेक्टिविटी। भारत के ये दोनों ही उद्देश्य SCO के मूल मंत्र से मेल खाते हैं। भारत SCO के ताशकंद स्थित आतंकवाद रोधी निकाय रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर यानी RATS से खुफिया तंत्र और इंटेलिजेंस तक पहुँच चाहता है। भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के लिए इस क्षेत्र से कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है। SCO के कई देश प्राकृतिक गैस और तेल भंडार वाले देश हैं। भारत इन देशों के साथ बेहतर संबंध बनाकर अपने हितों को साध सकता है। SCO के जरिए भारत मादक पदार्थों की तस्करी, छोटे हथियारों के प्रसार और आतंकवाद व कट्टरतावाद जैसे समस्याओं से निपटने की कोशिश भी कर सकता है। गौरतलब है कि SAARC उतना प्रभावी संगठन नहीं साबित हुआ जितनी की इससे उम्मीद थी। ऐसे में SCO भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान भी इसका सदस्य है। SCO चीन और पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंदियों के साथ जुड़ने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है।